गुड आफ्टरनून क्लास थर्ड, आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 12, पाठ का नाम है विराम चिन्हों का प्रयोग, प्रयोग में यूज, ठीक। लेसन 12, चैप्टर नेम है विराम चिन्हों का प्रयोग। पिक्चर देख रहे हैं ना बेटा, ये देख रहे हैं पिक्चर, ये क्या है? बच्चा बैठा है चेयर पे, बच्चा दांत के डॉक्टर साहब किया गया है, उसके दांतों में तकलीफ है, डॉक्टर साहब उसके दांत को देख रहे हैं मशीन और टॉर्च से, ठीक। तो यहाँ क्या है, विराम चिन्हों का प्रयोग है आपके लेसन का नाम। राहुल जरा मुंह ठीक से खोलो, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि राहुल जरा मुंह ठीक से खोलो। अरे अब देखिए इसमें यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा, इसमें आदि बोधक। अरे तुम्हारे दांतों में तो कीड़ा लगा है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं। अरे मैं तो चकित होके विस्मय पूर्वक, इसे चिन्ह का नाम है विस्मय आदि बोधक चिन्ह, तुम्हारे दांतों में तो कीड़ा लगा है, क्या तुम प्रतिदिन प्रातः और रात्रि को ब्रश नहीं करते हो? अब यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या तुम ब्रश नहीं करते हो, तो इसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। राहुल कह रहा है डॉक्टर साहब, रुक के बोला तो यहाँ कॉमा लगा, डॉक्टर साहब मैं रोज ब्रश नहीं करता हूँ, क्या मुझे रोज ब्रश करना चाहिए? राहुल ने सच बता दिया कि डॉक्टर साहब मैं रोज ब्रश नहीं करता हूँ, यहाँ पे विराम है, क्या मुझे रोज ब्रश करना चाहिए, ये प्रश्न उसने पूछा, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा है। समझ में आ रहा है ना बेटा, पिक्चर देख रहे हैं आप? ऊपर दिए गए वाक्यों में आपने देखा कि कहीं कॉमा चिन्ह लगा है, तो कहीं पूर्ण विराम लगा है, कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, कहीं विराम लगा है, ठीक। जहाँ इन चिन्हों का प्रयोग हुआ है वहाँ कुछ क्षणों के लिए रुकते हैं, जब चिन्हों का प्रयोग होता है क्या करते हैं, कुछ क्षणों के लिए रुकते। जैसे राहुल ने, डॉक्टर साहब, राहुल ने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा सा रुका तो कॉमा लगाया, मैं रोज ब्रश नहीं करता हूँ, वहाँ पूर्ण विराम लगा, क्या मुझे रोज ब्रश करना चाहिए, तो उसने क्वेश्चन किया, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा, ठीक बेटा समझ में आ रहा है। रुकते हैं, यदि हम इन चिन्हों का प्रयोग ना करें तो वाक्यों का अर्थ समझना कठिन हो जाएगा, इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, क्योंकि कहीं कोई चिन्ह नहीं होगा, कोई फुल स्टॉप नहीं होता, एकदम कहानी की तरह पढ़ते जाएंगे तब भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, समझ में भी नहीं आएगा बेटा। परिभाषा, लिखते समय कहाँ कितना रुकना है इसे स्पष्ट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। एक बार हम लोग फिर परिभाषा पढ़ते हैं, लिखते समय कहाँ कितना रुकना है इसे स्पष्ट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब देखिए हेडिंग पढ़िए, कुछ विराम चिन्हों के विषय में हम यहाँ पढ़ेंगे। अब जो हम पढ़ेंगे उन विराम चिन्ह, ये क्या है, पूर्ण विराम लिखा, ये देखिए विराम चिन्ह जिसको हम लोग फुल स्टॉप कहते हैं ना, तो यह है पूर्ण विराम। किसी वाक्य के समाप्त होने पर जो चिन्ह लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कह, मतलब यहाँ पे समाप्त हो गया आपका वो वाक्य, वहाँ पे पूर्ण विराम लगा। उदाहरण, एग्जाम्पल, राम दिल्ली गया, कौन दिल्ली गया, राम दिल्ली गया। सेकंड नंबर का उदाहरण, बंदर ने केला खाया। सेकंड नंबर, अल्प विराम मतलब छोटा, अल्प मीन्स बहुत छोटा, तो कॉमा छोटा सा होता है ना, बहुत थोड़ा सा इसमें विराम लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को अलग करते समय हमें थोड़ा रुकना पड़ता है, उस समय वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, दीपक राहुल सीता और गीता दिल्ली गए। अब देखिए यहाँ अल्प विराम लगा है, दीपक के बाद कॉमा, दीपक राहुल सीता और गीता दिल्ली गए, गए के बाद पूर्ण विराम। सेकंड नंबर, वह बहुत पढ़ता था फिर भी अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाना, पास आउट ना होना, तो वह बहुत पढ़ता था फिर भी अनुत्तीर्ण हो गया। थर्ड नंबर, प्रश्न सूचक चिन्ह, इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, इंग्लिश में कहते हैं ना क्वेश्चन मार्क, तो हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह। जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो उसके अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उदाहरण है, क्या तुम कल स्कूल गए थे, प्रश्न पूछा गया तो यहाँ पे आपका प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया गया।
फोर्थ नंबर अर्धविराम, अर्ध मीन्स आधा छोटा। जब किसी वाक्य में पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक रुकने की स्थिति होती है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस चिन्ह का प्रयोग? अर्धविराम का। जैसे झूठ बोलना पाप है, अतः सदा सत्य बोलो। फाइव नंबर विस्मय आदिबोधक, देख रहे ना, विभिन्न प्रकार के भावों जैसे खुशी, दुख, हैरानी, क्रोध आदि को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, वाह कितना सुंदर फूल है। समझ में आया ना? अब पढ़ते हैं। देखिए, आपने सीखा लिखते समय कहाँ कितना रुकना है, इसे स्पष्ट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, एक बार हम लोग फिर पढ़ते हैं बेटा। लिखते समय कहाँ कितना रुकना है, इसे स्पष्ट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करना मतलब यूज करना, प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आपने पांच प्रकार के विराम चिन्ह पढ़े, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, अर्धविराम, विस्मय आदि बोध। आज कोई पूछे विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते, तो आप बता देंगे विराम चिन्ह पांच प्रकार के होते हैं। ठीक, अब बेटा ये अभ्यास कर दिया, ये क्वेश्चन आंसर आपको सारे पीडीएफ में मिलेंगे, आप पीडीएफ से निकाल के क्वेश्चन आंसर कॉपी में, ग्रामर कॉपी में कंप्लीट करिएगा। ओके, खा निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। अब देखिए लिखा है हम कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, लगाइए पेंसिल से करिएगा और फिर इसको लिख दीजिएगा, यहाँ पूरा वाक्य लिख दीजिएगा क्वेश्चन मार्क लगा के, पहले यहाँ चिन्ह लगा दीजिए। तमिलनाडु के लोगों को तमिल कहते हैं, यहाँ फुल पूर्ण विराम लगाएंगे ऐसे, फिर इसको यहाँ लिखेंगे। यहाँ का होमवर्क आपको कंप्लीट करना है बेटा, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक, मैं समझा रही हूँ आपको, वैसे ही करना है। थर्ड नंबर, तुम अपना कार्य करते रहो, मैं अपना कार्य करूँगा, यहाँ भी पूर्ण विराम लगाइए ऐसे। फोर्थ नंबर, रामू सोनू हरी व कमला मसूरी घूमने गए, पूर्ण विराम। वाह, वाह के बाद विस्मय आदि बोधक ऐसे लगाइए पेंसिल से, हम जीत गए, इसके बाद पूर्ण विराम। समझ में आ रहा है ना, ऐसे करना। गा, गाना में सुमेल कीजिए मतलब मैच कीजिए। अल्प विराम, अब देखिए अल्प विराम कौन सा है, पहले को सा से में, ये जो कामा है अल्प मीन्स बहुत छोटा होता है ना, तो अल्प मीन्स छोटा और छोटा ये है, इसको नंबर वन को सा से मैच करिए, किया पेंसिल से करिए बेटा। सेकंड अर्ध विराम, इसको आप द से मैच करिए, नंबर टू को द से मैच करिए। विस्मय आदि बोधक चिन्ह, या ये देखिए विदा है विस्मय आदि बोधक चिन्ह, थर्ड नंबर को या से मैच करिए। पूर्ण विराम आ, ये देखिए पूर्ण विराम बना है ना, फोर्थ नंबर को आ से मैच करिए। फाइव नंबर, प्रश्न सूचक चिन्ह, वाह फाइव नंबर को वाह से मैच करिए, किया। अब देखिए घा नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलिए, आपका होमवर्क है। सोहन बाजार गया था, इनको किसने वाक्यों में बदलना है, प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलना, तो आप क्या कहें, सोहन कहाँ गया था। पिताजी सुबह सैर करते हैं, पिताजी सुबह क्या करते हैं, सुबह सैर करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलिए, समझ में आ रहा है, बाकी वही इनको आपको प्रश्नवाचक वाक्य में मतलब इनका क्वेश्चन बनाना, समझ में, आपका होमवर्क आपको बुक में पेंसिल से करना है। थर्ड नंबर, वह भोजन कर रहा है, क्या वह भोजन कर रहा है, इसको आपको ये आपका होमवर्क आपको कंप्लीट करना है, ये भी होमवर्क। आओ दोहराएं, आओ दोहराएं लिखा है ना, मैं आपको समझा दूंगी, करना आपको, ठीक है ना बेटा। नीचे दिए गए गद्यांश में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए, पुनः में दोबारा फिर से रिपीट करना है। अब देखिए इसमें जो गद्यांश है, अप्रैल मई और जून गर्मी के महीने होते हैं, इन महीनों में तरबूज खरबूजा ककड़ी
और आम खूब मिलते हैं गर्मी के पहले ना, या गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है तब गर्मी से राहत मिलती है। राहत मिल मतलब थोड़ा सा आराम मिलता है कि चलो गर्मी कम हुई, बारिश हुई, मौसम ठीक हुआ। सभी प्रसन्न हो जाते, प्रसन्न मतलब खुश, सभी प्रसन्न हो जाते क्योंकि गर्मी दूर हो जाती है। नीचे दिए गए गद्यांश में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए, इसको लिखिए और जहाँ जो सब चिन्ह लगना है उसी को आपको लगाना है, ठीक। यह आपका होमवर्क है, ओके बेटा। स्टूडेंट देखिए, अभी हम लोगों ने बुक रीडिंग की, एक्सरसाइज की, अब हम लोग क्लास अपने पार्ट 12 का विराम चिन्हों का प्रयोग का क्वेश्चन आंसर करेंगे। या आपको सारे क्वेश्चन आंसर PDF में मिलेंगे, आप PDF निकाल के कॉपी में कंप्लीट करिएगा, ओके। अब मैं पढ़ाती हूँ, आप मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक। मैं बोलूँगी, आप भी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विराम चिन्ह का क्या अर्थ है? क्वेश्चन क्या है, विराम चिन्ह का क्या अर्थ है? आंसर, लिखते समय कहाँ कितना रुकना है इसे स्पर्श करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अल्प विराम चिन्ह को सोदाहरण स्पष्ट, सोदाहरण मतलब उदाहरण सहित एग्जाम्पल के साथ, ठीक, समझ गए। आंसर, दो या दो से अधिक शब्दों को अलग करते समय थोड़ा रुकना पड़ता है, उस समय वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे दीपक राहुल और सीता दिल्ली गए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? आंसर, जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो उसके अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है, जैसे क्या तुम कल स्कूल गए थे, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, ठीक बेटा, समझ में आया। सारे क्वेश्चन आंसर बेटा आपको PDF में मिलेंगे, PDF से निकाल के आप कंप्लीट करिएगा। आपका होमवर्क है बुक रीडिंग करना है, लेसन 12 पढ़ना है, एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, कॉपी में होमवर्क क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं PDF से निकाल के, और क्वेश्चन आंसर लर्न करना, आपसे मैं सुनूंगी, कॉपी ला के चेक कराइएगा, ओके बेटा। थैंक यू क्लास।